लक्ष्मी, इतनी सुबह सुबह और वो भी तख्ती के साथ, कोई खास बात है क्या? हाँ साई, आज परीक्षा है हमारी और मुझे तो बहुत डर लग रहा है क्योंकि मेरी तैयारी अधूरी है। क्यों, तैयारी नहीं की क्या? वो क्या है ना, घर में कोई ना कोई आते जाते रहता है, बातें होती रहती है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं बाहर बैठकर पढ़ाई करूं। लेकिन हमारे बस्ती में भी बहुत शोर होता है, मैं पढ़ूं कैसे, ध्यान कैसे लगाऊं? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, अगर तुमने नियमित रूप से अभ्यास किया होता तो आज तुम्हें इतनी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। अगर ध्यान लगाना है तो सबसे पहले अपने मन को शांत करना होगा, फिर केवल उसी काम पर ध्यान लगाना होगा जो करना है। वो काम कैसे होगा, उसका परिणाम क्या होगा, इस बारे में सोचना भी नहीं है, बस काम करना है, ये बात दिमाग में होनी चाहिए। और एक बार ध्यान लगाना आ गया तो फिर चाहे बाहर ढोल बजे या बिजली गिरे, तुम्हें कोई विचलित नहीं कर पाएगा, तुम्हारा ध्यान कोई नहीं भटका पाएगा। पर मैंने बहुत कोशिश की साई, मुझसे नहीं होता। अभ्यास से कुछ भी संभव है लक्ष्मी, परीक्षा में थोड़ा ही समय शेष है, चलो मैं तुम्हें ध्यान का अभ्यास कराता हूं। आसन याद है ना? ठीक है, अब अपनी आंखें बंद करो और एक सफेद प्रकाश की कल्पना करो। उस प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करो अपना, उस प्रकाश पर अपना ध्यान केंद्रित करती जाओ। बाहर की सारी ध्वनियों को अनसुना कर दो। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? क्या तुम मुझे सुन पा रही हो?
जी प्रणाम सरकार, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे ओ माँ आओ, रखो। हरिओ केशव, आ बेटा। मैंने कहा था ना तुम्हें कि तुम्हारे लिए मैं एक ऐसी चीज लेके आऊंगा कि जिसे देख के तुम्हारा मजाक उड़ाने वाले तुम्हारे मित्र तुमसे मित्रता करने के लिए आगे पीछे दौड़ेंगे। ये है वो वस्तु। लोगों के लिए तुम आकर्षण का केंद्र बन जाओगे केशव। हाँ, लोग ईर्ष्या करेंगे तुमसे, जलेंगे। वो चीज है ये, मैं खोल के दिखाता हूं तुम्हें। इसे कहते हैं ग्रामोफोन। ये गीत संगीत सुनाने वाला यंत्र है, विदेशी यंत्र है ये। इसे देखेंगे ना तुम्हारे मित्र तो जलेंगे तुमसे, ईर्ष्या करेंगे तुमसे। रत्नाकर राव थे ना, उनके घर देखा था मैंने ये यंत्र। ग्रामोफोन। देखो इसे ऐसे घुमाते हैं, देखो क्या लाए हम। ये क्या है सरकार? बताता हूं क्या है। अरे गधो मेंढको, ये भूत नहीं है, ये गीत संगीत सुनाने वाला यंत्र है। भाग गए गधे कहीं के। मैंने अपना पार्ट दोहरा लिया साई, सब याद हो गया मुझे। जानते हो इस बार मेरा ध्यान कहीं नहीं भटका। तुम्हारे पास तो हर समस्या का हल है। लक्ष्मी एक बात हमेशा याद रखना, सफलता उसी को मिलती है जो कभी विचलित नहीं होता। अब जाओ और परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर ध्यान से देना। ठीक है साई। है कि नहीं अद्भुत? हाँ बोलो। गांव में ना इसे किसी ने देखा होगा ना सुना होगा इसके बारे में। सच पिताजी? तो फिर आप वापस बताए ना, इसे कैसे बजाते? बताता हूँ। पहले से बाहर रखते हैं, इसे यहाँ ले जाते हैं तो ये बंद हो जाता है। फिर ये ऐसे इसको घुमाया जाता है, बहुत आसान है पिताजी, मैं सीख गया। अब मैं इसे अपने दोस्त को दिखाना चाहता हूँ, क्या मैं इसे ले जा सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, अरे इसीलिए तो मंगवाया है, बहुत महंगा है ये। लेके जाओ लेके जाओ। अच्छू अंता पंता को बुलाओ, ये अकेला नहीं उठा पाएगा। जाओ बुलाओ, वो तो ऐसे भाग गए जैसे गधे के सिर से सिंह।
भूत के चक्कर में कहीं गांव छोड़ के तो नहीं भाग गए? देखो क्यों परेशान हो रहे हो दादा, लौट के बुद्धू घर को ही आएंगे। वैसे दादा, अगर किसी को केशव के साथ भेजना है ना, तो इन्हें भेजो। ये तो कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि इसे घुमाने कब ले जाएंगे, है ना? अच्छा उपाजी लोग तो अपने भतीजे को बहुत चाहते हैं, है कि नहीं? जा रहे हैं तो जाइए जाइए, लेकिन ध्यान रखिए इसका, कहीं ये टूट न जाए। मैंने कहा था ना तुम्हें कि तुम्हारे लिए मैं एक ऐसी चीज लेके आऊंगा जिसे देख के तुम्हारा मजाक उड़ाने वाले तुम्हारे मित्र तुमसे मित्रता करने के लिए आगे पीछे दौड़ेंगे। ये है वो वस्तु, लोगों के लिए तुम आकर्षण का केंद्र बन जाओगे केशव। फूफा जी, ग्रामोफोन निकालिए। सितार की आवाज कहाँ से आ रही है? केशव, क्या ये तुम्हारे पीछे से आ रही है? पीछे से नहीं, इससे आई आवाज। इसे ग्रामोफोन कहते हैं। सितार, तबला, बांसुरी, गीत सब इसके अंदर है। मतलब तुम बोल रहे हो कि टून के सारे सजिंदे इस बक्से के अंदर छुपे हुए? झूठ मत बोलो, कुछ भी बोलता है। अरे सच बोल रहा हूँ, नहीं मानना है तो मत मानो। वाह यार, ये तो बड़ी मजेदार चीज है। मेरे पास और भी बहुत कुछ है सुनाने के लिए। तो वो सुनाओ ना। हाँ हाँ सुनाओ ना, सुनाओ ना। हाँ के चकित होने पर केशव को गर्व महसूस हो रहा है। जब पिता ही किसी बच्चे को गलत सीख दे तो इसमें बच्चे का दोष ही क्या हो सकता है? अरे ये रुक क्यों गया? ये खराब हो गया क्या? अब नहीं बजेगा? अरे परेशान मत हो, अभी फिर से बजने लगेगा। हाँ
ये धुन कहां से आ रही है और सिर्फ मुझे ही क्यों सुनाई दे रही है? ऐसा लग रहा है जैसे ये आवाज मुझे बुला रही हो। साई है ना? आप ये धुन कैसे जानते हैं? कुलकर्णी सरकार ने वो यंत्र तो आज ही मंगवाया है। ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि संगीत प्रकृति ही बनाती है, मानव नहीं। सारे स्वर हमें प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं, चिड़ियों की चहचहाट से लेकर भौरों के गुंजन तक, मेघों के घुमड़ने से लेकर बिजली की चमक और बिजली की चमक से लेकर नदियों की कलकल तक। सारा संगीत हमें इस वातावरण, इस प्रकृति, इस ब्रह्मांड से ही प्राप्त होता है। उसी के आधार पर हम धुन बनाते हैं, गीत बनाते हैं। इसलिए संसार में कहीं भी चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रकृति एक है। इसलिए संगीत में समानता अवश्य मिलती है। संसार में कहीं भी जाओ, सुर साथ ही होते हैं और एक ही समान होते हैं। इसलिए संसार का कोई भी गायक, कोई भी वादक प्रकृति के सामने बौना ही है। क्या आपने ये धुन प्रकृति के संगीत को सुनकर सीखी? ये कैसे संभव है? अपनी आंखें बंद करो और अपने आसपास के वातावरण, इस निसर्ग को सुनने का प्रयास करो। Thank you.
साई, ये कैसा संगीत आपने मुझे सुनाया। मैं अंदर से बहुत थका हुआ था, परेशान था, विचलित था, मगर इस संगीत ने मेरे अंदर की हलचल को बिल्कुल शांत कर दिया। मैंने सुबह आपकी झलक देखी थी, आपने जो कहा था मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ। नए हो शिरडी में? जी, मैं कुलकर्णी सरकार का बहनोई हूं। तुम्हारा असली परिचय ये है कि तुम एक नेक और अच्छे इंसान हो। धन्यवाद साईं, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और मैं आपसे दोबारा मिलने जरूर आऊंगा।